भले ही यूपी पुलिस अपनी छवि को लाख सुधारने की कोशिश करे, लेकिन कुछ सिपाहियों के चलते यूपी पुलिस को हर बार बदनामी का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ जौनपुर में देखने को मिला, जहां एक सिपाही ने नशे की हालत में बीच रास्ते में ही हंगामा किया। बताया जा रहा है कि नईगंज तिराहे के पास फायर ब्रिगेड में तैनात सिपाही ओम प्रकाश सिंह नशे की हालत में पड़ा हुआ था। इस दौरान सिपाही ने नशे की हालत में ही सड़क पर जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, सिपाही ने सड़क किनारे ही अपने कपड़े भी उतार दिए। सिपाही की हरकत देख मौके पर जमावड़ा लग गया। इस दौरान लोगों ने उसे समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन सिपाही पर नशा ही कुछ ज्यादा सवार था, जिसके चलते उसने किसी की भी नहीं सुनी। वही सिपाही की हरकत का वीडियो वायरल होने के बाद एएसपी सिटी अनिल पांडे ने उसके खिलाफ जांच का निर्देश दिया। अभी शाम को थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पॉलिटेक्निक चौराहे पे एक व्यक्ति वर्दी में पड़ा हुआ था, जिसकी सूचना जो है पुलिस को मिली है और इनको जो है स्थानीय पुलिस कोतवाली की इनको थाने ले गई है। थाने ले जाने पर पता चला है कि ये नशे की हालत में थे और इनका नाम जो है फायरमैन ओम प्रकाश सिंह है। ये सिविल लाइन्स प्रयागराज में तैनात है, वहाँ पे प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वारा बात कर ली गई है और इसकी सूचना उन्हें दे दी गई है तथा बाकी की कार्रवाई की जा रही है। सिपाही की करतूत देख पुलिस विभाग भी हरकत में आ गया और आनन फानन में जाँच शुरू कर दी गई। जौनपुर से जावेद अहमद की रिपोर्ट।